And then Srimadi Biplo Thakur. Naam diya hai? Yeah, I think it is coming. Mananiya Upadhyakshi. It is coming. Aaj ka jo ye. Madam, take only 3 minutes. No, sir, this is a very serious matter. No question. Plus, it's not the question of three minutes or 5 minutes. No. We have to brought the. It is a question of 3 minutes. Sir, this is not. Put your question 3 minutes. Put your question 3 minutes. Maananiya Mantri Singh se janna chahti hu jo inhone statement di hai. No, Himachal Pradesh mein no favorites we have particular remember. Itni baat ho rahi hai. Kahin par bhi inhone jo hill areas ke liye special uska koi bhi zikr nahi kiya hai. Kyunki wahan pe sabse zyada agar nuksan hota hai to sadkon ka hota hai. Aaj wahan pe aapka area bhi hilly area hai. Wahan pe sadke jo hai puri tarah se khatam ho chuki hui hai aur state government jo hai unke rakh rakhav ke liye unke maintenance ke liye unke paas paisa nahi hai. To kya government of India is baat ko dhyan mein rakhte hue special package degi un sadkon ke liye jisse ki wo theek tarah se रख रखाव हो सके, मेंटेन हो सके, वहां की पब्लिक उसकी सहूलियत जो है दोबारा से वो हो सके, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिया गया है. इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इसके बारे में सोचा जाए, गंभीरता से सोचा जाए. हमेशा और क्लाउड बर्स्ट होते हैं, क्लाउड बर्स्ट जो है हमेशा हिली एरिया में ज्यादा होते हैं, उसका क्या रीजन है उसके बारे में रिसर्च की जाए. डॉपलर्स की बात आती है, आप सुनामी और उनका तो प्रिडिक्शन कर देते हैं, लेकिन आज तक क्लाउड बर्स्ट का कहीं पे भी जिक्र नहीं होता कि आने वाला है, जिससे कि जनता संभल सके, जनता जो है मशीनरी भी उसका जो है पूरा ध्यान रख सके, लोगों को जो है उनके लिए सुविधाजनक जगह दे सके, ऐसा कुछ नहीं है. हमारे हिमाचल में फॉरेस्ट है, लेकिन हमें फॉरेस्ट का कुछ भी नहीं मिलता. हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी जब प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी उसके लिए स्पेशल प्रावधान के लिए बोला था, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कटेंगे तो अपने आप जो है फ्लड आएंगे, जमीन खिसकेगी, जमीन में लोग जो रहते हैं उनका नुकसान होगा, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उसको भी मैनेजर डिजास्टर में लाना चाहिए, मैनेजमेंट डिजास्टर में, कि फॉरेस्ट लगाने के लिए, फॉरेस्ट का देखभाल करने के लिए उसका जो हमें पैसा नहीं मिलता है वो हमको मिलना चाहिए, जिससे कि हम देश की तरह अपने प्रदेश के लिए अच्छी तरह से सोच सके. ये भी यहाँ पे कुछ नहीं. हमारे यहाँ 50 करोड़ के करीब किन्नौर में सेब की जो फसल है वो खराब हो चुकी है, खत्म हो गई है बारिश की वजह से. चंबा में, तीसा में पूरी तरह से फसल खराब हो गई है. और क्या होता है, फसल खराब होगी आपकी, यहाँ से जाती है कमेटी, जाती है यहाँ से, भेजी जाती है, वो जब तक रिपोर्ट देती है तब तक लोग बेचारे जो है यहाँ तो कर्जा लेके उसके तले दब जाते हैं, फिर आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं. आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से टीमें भेजनी चाहिए जाके नुकसान का पता करने के लिए. जब प्रदेश सरकार बता रही है कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है तो उस पर शक क्यों किया जाता है, आपकी तरफ से यहाँ से क्यों भेजी जाती है टीमें कि जाओ जाके देखो, वो ज्यादा देख लेंगे, उनको ज्यादा समझ है. हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स हैं या हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो चप्पा चप्पा को जानते हैं, गांव गांव को जानते हैं, क्या वो जो सर्वे करते हैं वो गलत करते हैं? इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इन चीजों का ध्यान रखिए मंत्री जी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं. लोगों को राहत उसी समय मिलनी चाहिए जब उनको जरूरत है, बाद में जब राहत आती है उसका कोई फायदा ही नहीं होता, उसके प्रति हम लोगों में कोई जो है सहानुभूति नहीं रहती है. इसलिए आपको सही कदम सही समय पे उठाने चाहिए. और सबसे बड़ा किन्नौर का एरिया बॉर्डर का एरिया है, इसलिए वहां पे विशेष ध्यान देके उनके सड़कों रखवाओं के लिए आपको पैसा जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए. इसका ध्यान रखिए अध्यक्ष जी. कोई बात, इतनी बड़ा मसला है और ये इसको इस तरह से यहाँ भी फ्लड आ रहा है, लोग दिल्ली में भी दो दो घंटे के लिए बंद रहा है, सोचिए इसके बारे में, ध्यान दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, थैंक यू.